मॉर्निंग क्लास विक्टर, आज हम लोग 10B एक्सरसाइज पढ़ेंगे। ये लास्ट एक्सरसाइज है आपकी, हमने आपको 10A तक पहले पढ़ा दिया था। लेकिन आपको एक चीज बता दें या सूचना दे दें, आपकी जो एग्जाम 12 तारीख को होने थे वो डिले कर दिए, वो आगे किए जाएंगे। क्यों किए जाएंगे? क्योंकि हमने आपसे कहा था फीस जमा करें, आप लोगों ने फीस नहीं जमा की, इसीलिए ये एग्जाम मुझे आगे बढ़ाने पड़ रहे हैं। आपसे 2 महीने की फीस मांगी थी और 2 महीने की आपने जमा नहीं की। अब आप सुन लीजिए, कल है 15 तारीख, तो 15 तारीख तक आपको 2 महीने की फीस जमा करनी पड़ेगी और आपको फीस जमा करने पर एक स्लिप दी जाएगी, वो आप स्लिप अपनी कॉपी पर लगाकर यहां पर सबमिट करेंगी। अगर वो स्लिप नहीं है, आप कॉपी सबमिट करने आए तो हम एग्जाम की कॉपी कतई नहीं लेंगे। ये आप ध्यान कर लो, ये अच्छी तरह ध्यान कर लो कि हम कॉपी नहीं लेंगे, वो एग्जाम स्लिप जरूर लगी होनी चाहिए। अब आपको करना क्या है, आपको 2 महीने की फीस जमा करनी है, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है, कोई एग्जाम फीस नहीं है, ना ही कोई जो पहले लगता है जुलाई में वो चार्ज, सिर्फ 2 महीने की जो पिछली साल फीस थी उसी के अनुसार करना है, जितनी लगती थी उसी के अनुसार 2 महीने की आपको फीस जमा करनी है। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आपकी जिम्मेदारी स्वयं है, आप क्लास 5th में रहेंगे, 6th में नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप हमसे जुड़े नहीं हैं, हमारे पास तो सबूत है, क्योंकि ना आपने एग्जाम दिए ना आपने फीस जमा की, तो हम कैसे माने कि आप हमसे जुड़ चुके हैं। अगर आप टीसी की बात करते हैं तो टीसी भी आपको 4th क्लास की मिलेगी, 5th की नहीं मिलेगी, जो आप अच्छी तरह ध्यान कर लें, क्योंकि ये सरकार के आदेश है। इसलिए हम आपसे फिर से कह रहे हैं, आप 2 महीने फीस जमा करिए, ये एग्जाम दीजिए, इन एग्जाम के बाद में तीसरा एग्जाम जो होगा वो स्कूल खुल जाएगा तो उसमें होगा, लेकिन आपको फीस जरूर जमा करनी है। तो इसलिए कल 15 तारीख, तो कल तक 2 महीने की आप फीस जमा कर जाइएगा। तो अब अपनी पढ़ाई पर देखते हैं, 10B एक्सरसाइज में क्या था और 10A में क्या था। 10A में ब्रैकेट नहीं था तो वहां डमास सिस्टम लगा रहे थे, डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड और सब्ट्रैक्शन, लेकिन यहां पर है बीओ और जुड़ जाएगा ब्रैकेट ऑफ, ब्रैकेट ऑफ जुड़ेगा तो हम उसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले ब्रैकेट खोलेंगे फिर आगे की प्रक्रिया करेंगे। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर यहां पर 13 है, अब हम आपको 1 से भी करा देंगे, जरा ये देखें 13 क्वेश्चन में क्या है कि पहले देखो ब्रैकेट बना हुआ है 7+1 तो 8 हो गया, हमने ब्रैकेट को खोल दिया। ये नियम वही सब वैसे ही लगे हुए हैं। अब डमास सिस्टम से आ जाइए, बीओ तो हट गया तो 2 का डिवाइड हो रहा है तो 4 हो गया, मल्टीप्लाई प्लस ऐसे ही लिखे हैं, मल्टीप्लाई आइए 12 हो गया, इस तरह से 17 आंसर आ गया। ऐसे ही ये भी सिस्टम है, यहां पर ब्रैकेट नहीं है, यहां पर ऑफ है, तो इस प्रक्रिया को पहले करना पड़ेगा। जैसे 1/2 डिवाइड 1/6, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई 1/3। अब आप ऐसा नहीं करेंगे कि जैसे 1/6 ऊपर कर दे, ऐसा नहीं है, पहले हम इसको ही खत्म करेंगे। तो 1 + 1 = 6, 3 = 8, इस तरह देख लो और माइनस वैसे लगा दिया। अब हम इसको रेसिप्रोकल करेंगे, मल्टीप्लाई का साइन आ गया, रेसिप्रोकल कर दिया, 2 से हमने 18 काट दिया 9 बार, 9 × 1 = 1, इस तरह से 17/2 आ चुका है। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 17 शुरू करेंगे,
देखो सबसे पहले हमें इस ब्रैकेट को खोलना है, इस ब्रैकेट में क्या है तो नंबर वैसे लिखते जा रहे हैं। अब 85 का मल्टीप्लाई हो रहा है तो 85 जा 90, ये वैसे ही नंबर दिया। अब ब्रैकेट खत्म हो गया, अब हम देखते हैं डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड करें, 95 जा 45, 5 टाइम गया, 2 का भी डिवाइड कैसे होगा, 5 टाइम गया, अब 5 में से 5 माइनस कर दिया, 0 आ गया। तो इस तरह से ब्रैकेट था। अब हम देखो आपको 1 से लेके कर रहे हैं, कुछ मिस्टेक हो गई थी इसलिए हमने आपको 1 हटा दिया, अब 1 शुरू कर रहे हैं। देखो 2 में हमने 7 जोड़ रहे हैं, ब्रैकेट को खत्म करना है तो हमारा 9 हो गया इंटू 5, 95 जा 45, इस तरह आ गया। इस तरह से हमारा 3 क्वेश्चन भी होगा। थ्री में देख लो 7 डिवाइड, अब 3 का डिवाइड माइनस हो रहा है 24 में तो माइनस कर देंगे, 21 आ गया। अब 7 का डिवाइड हो रहा है 21 में तो जी लीजिए, अब देखो कट रहे काट दो, 1/3 आंसर। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 5 है, अब हमारे पास 4 का डिवाइड हो रहा है 20 में तो 4 5 20 +1, इन दोनों को जोड़ दिया 6। क्वेश्चन नंबर 7, एक क्वेश्चन हम आपको छोड़ रहे हैं, एक एक क्वेश्चन छोड़ रहे हैं वो आप करते जाए और एक एक हम करके दे रहे हैं आपको। तो 7 वाले क्वेश्चन में अब देखो फिर ब्रैकेट खोलेंगे, 3 का डिवाइड देंगे, 3 2 6, 3 1 3 डिवाइड बाय 7, 7 का डिवाइड दिया, 7 3 21, इस तरह 7 क्वेश्चन हुए। अब 9 वाला क्वेश्चन देखिए, छोटा ब्रैकेट है फिर ये सबसे बड़ा ब्रैकेट है, यानी कि 3 ब्रैकेट से होते हैं, ये हम आपको बता दें। एक तो पैनक्रस बड़ा वाला ब्रैकेट, फिर कर्ली ब्रैकेट आता है और फिर ये ब्रेक आता है। तो पहले हम ब्रेक को खत्म करते हैं, ब्रेक को खत्म करेंगे तो 7 का डिवाइड भी नहीं है क्योंकि इसमें डिवाइड हो रहा है तो 7 4 20 8, और ये बड़ा ब्रैकेट वैसा ही रहेगा, +3 हो गया इंटू 5, इन दोनों का जुड़ गया 7, इस तरह से 7 5 35। तो इस तरह हमने आपको एक एक क्वेश्चन छोड़कर 17 क्वेश्चन तक करा दिया। अब आपका काम क्या है, अब आपका काम है कोर्स पूरा हो गया, आप सवाल करें, अगर जो चीज नहीं समझ में आती है तो 2-4 दिन में आप अपनी रिक्वायरमेंट डाल लें, हम उसका आपका रिविजन करा देंगे। आपको अच्छी तरह समझना है और एक बात ध्यान रखना, हमारी तरफ से फीस जरूर जमा करें, अगर नहीं ऐसा करते हैं तो हम आपको एग्जाम से वंचित कर देंगे।